नमस्कार, मैं सुजा लग्रहरी, आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने घेरा राष्ट्रपति का घर, आवाज छोड़कर भागे गोतबाया राजपक्षे। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच जनता का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। देश भर में तेल और बाकी जरूरत के सामान की कमी के बीच लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने शनिवार को राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से इस्तीफा की मांग के साथ उनके आवास का घेराव कर लिया है। न्यूज एजेंसी SFP के मुताबिक ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के घर में घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद राजपक्षे अपना आवाज छोड़कर भाग खड़े हुए। वहीं श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्य ने कोलंबो में हालिया में विरोध प्रदर्शन पर समाचार एजेंसी ANI से कहा कि मैं विरोध का हिस्सा था और लोगों की मांग के साथ खड़ा हूं। यह विरोध 3 महीने से अधिक समय से चल रहा है। गौरतलब है कि श्रीलंका पिछले कई महीनों से आर्थिक संकट में जूझ रहा है। पूरे देश में खाने से लेकर ईंधन तक की कमी पैदा हो गई है। यहां तक कि घरों में बिजली तक सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए आ रही है। श्रीलंका को लगातार घटते विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से वो मेडिकल से जुड़े जरूरी सामान तक की आयात नहीं कर पा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने और तत्काल समाधान खोजने की आपात बैठक बुलाई है। श्रीलंका की डेली मिरर ने प्रधानमंत्री के मीडिया डिवीजन के हवाले से रिपोर्ट दी है। बताया गया है कि कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास के परिसर तक घुस आए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति को आवास से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। हालांकि सुरक्षा बल पानी के बौछारों और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन के दौरान करीब 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।